बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और छठे चरण का रण लगातार जारी है। छठे चरण की वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो श्रावस्ती में बूथ नंबर 152 पर ईवीएम खराब हुई है। सबसे लेटेस्ट अपडेट जो इस वक्त आ रही है वो सबसे पहले आपको बता देते हैं, जहां पर ईवीएम खराब हुई है। और इस बीच 2024 में मुकाबला किस किस प्रत्याशी के बीच है वो भी आपकी स्क्रीन पर आ गया है, वो भी आप देख पा रहे हैं कि किन किन दिग्गजों के बीच आज का ये चुनावी रण है। तो लगातार महाकवरेज न्यूज 18 पर जारी है। और इसी बीच श्रावस्ती से बड़ी खबर, बूथ नंबर 152 पर ईवीएम खराब हुई है। बूथ 152 पर अभी तक मतदान भी शुरू नहीं हो पाया। बूथ पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की भी 14 सीटों को लेकर वोटिंग हो रही है। ऐसे में श्रावस्ती की बात करें, यहां पर अभी तक मतदान ही शुरू नहीं हो पाया है। अखिलेश कुमार संवाददाता न्यूज 18 हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, क्या वजह है ईवीएम खराबी के पीछे, क्या बताया गया अभी तक, क्या जानकारी आपको मिल पाई है? और कहा जा रहा है कि अभी तक मतदान ही शुरू नहीं हो पाया, 7 बजे से अब 8 बजे तक का वक्त हो गया है। देखिए, मतदान शुरू हुए 1 घंटा हो गया है, लेकिन जब शुरू मतदान का शुरुआती दौर होता है तो ईवीएम की कनेक्टिविटी और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो श्रावस्ती के कुछ बूथों पे जो है ऐसी स्थिति रही है जहाँ पे 7:10 या 15 मिनट हो चुका था और मतदान शुरू नहीं हुआ था। हालांकि अभी तो अपडेट ये है 1 घंटा हो चुका है, तो अब मतदान शुरू हो चुका है। लेकिन ये चूंकि मामला रहता है कि जब मतदान शुरू होता है तो ईवीएम की कनेक्टिविटी, वीवीपैट की कनेक्टिविटी, जिसकी वजह से मतदान जो है रुका था और लेट हुआ था। कुछ मतदाता भी पुलिस वालों से बहसबाजी कर रहे थे कि भाई हम लोग सुबह ही आ गए और मतदान क्यों नहीं शुरू हुआ, तो पुलिस ने उनको समझाया है। और उसके बाद अभी जो अपडेट है, अब मतदान शुरू हो गया है। ये बूथ नंबर 152 का मामला था श्रावस्ती में। हालांकि अब मतदान जो है सुचारू तौर पर चल रहा है और हर बूथ पे लंबी लाइन लगी हुई है मतदाताओं की। जी, यानी कि अब मतदान यहां पर शुरू हो गया है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए अखिलेश कुमार। और चलिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर, प्रतापगढ़ से बूथ नंबर 303 पर भी ईवीएम खराब हुए। सदर के सोनबरसा बूथ पर ईवीएम खराब हुई है, बूथ संख्या 313। कोहडौर में भी ईवीएम खराबी की खबर सामने आई है। भोलियापुर बूथ पर भी ईवीएम खराब हुई है, बूथ संख्या 251। रामनगर में भी ईवीएम खराब हुई है, ईवीएम खराबी की खबर सामने आई है। रोहित, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। रोहित, लगातार हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों से ईवीएम खराबी की खबरें सामने आ रही है, वहां पर भी ईवीएम खराब हुई है भोलियापुर बूथ पर, अभी क्या स्थिति है, क्या मतदान शुरू हो पाया? बता दें कि 7 बजे में जो है मतदान शुरू हो गया है और 18,37,000 मतदाता प्रतापगढ़ में हैं, वो सभी जो है वोट देने के लिए अपने बूथों पे पहुंच रहे हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से ये दावा किया गया था कि जो भी जो निर्वाचन को लेकर व्यवस्थाएं वो चाक चौबंद कर ली गई हैं और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आने पाएगी, लेकिन देखा यह जा रहा है कि प्रतापगढ़ में आधा दर्जन से अधिक बूथों के ईवीएम जो है खराब हो गए हैं। मतदाता वोट देने के लिए पहुंचे हैं, काफी उनको जो है परेशानी उठानी पड़ रही है क्योंकि गर्मी प्रतापगढ़ में अधिक है, धूप हो गई है और लोग सुबह सुबह ही अपने बूथों पर पहुंचकर मतदान जो है करना चाहते थे, गर्मी से बचना चाहते थे। तो लिहाजा ऐसा देखा जा रहा है कि रानीगंज के जाजापुर जो कि बूथ संख्या 256 है, वहां का ईवीएम खराब हुआ है। हरपाल मऊ रानीगंज का ईवीएम खराब हुआ है और भुलियापुर का ईवीएम खराब हुआ है। तो कहीं ना कहीं बूथ संख्या 313 कोहड़ौर का ईवीएम खराब हुआ। तो कहा ऐसा जा रहा है कि आधा दर्जन से अधिक जो बूथ हैं वहां के ईवीएम जो है वो नहीं चल रहे हैं, वहां पर मतदान प्रभावित हुआ है, मतदान अभी रुका हुआ है और जो वहां के वोटर हैं कहीं ना कहीं इस बात को लेकर परेशान है कि जो धूप से बचने के लिए वो घर से सुबह सुबह ही निकल के वोट देने के लिए आए थे, लेकिन अभी भी वो बूथ के आसपास ही हैं और अभी तक वोट नहीं दे पाए हैं और अभी तक ऐसी जगहों पर ईवीएम ठीक होने की सूचना भी नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं जो मतदाता है वो पूरी तरीके से परेशान है और गर्मी को लेकर खासा जो है परेशान दिखाई पड़ा। रोहित, क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचा है और क्या कहना है बूथ पर मौजूद मतदाता कर्मियों का, उनका क्या कहना है, कब तक ईवीएम ठीक करा ली जाएगी?
जी अफसरों से बात हुई थी तो उनका लगातार कहना था कि सुबह का वक्त है और कई बूथों पर जो है मॉक पोलिंग के बाद जो है वो ऐसी समस्याएं जो है आ जाती हैं। तमाम सारे अफसरों को जो है मौके पे भेजा जा रहा है, यहाँ पर ईवीएम खराब होने की सूचना है, वहाँ पे जो है टेक्निकल टीम को रवाना किया गया है और उसके साथ ही जो लोकल स्तर पे वहाँ पे सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं और अफसर जो भी निर्वाचन की ड्यूटी में लगी हैं वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं और जल्द से जल्द जो है ईवीएम को ठीक किया जाएगा और जो मतदान की व्यवस्था सुचारू रूप से है उसको जो है बहाल करा दी जाएगी। लेकिन आधे घंटे से अधिक बीत गए हैं, तमाम सारे बूथों पे ईवीएम खराब है लेकिन अभी तक ईवीएम सही नहीं हो पाए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका रोहित कुमार। और चलिए अलग अलग जगहों से हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं और सिलसिलेवार तरीके से जान लेते हैं एक लेटेस्ट अपडेट। उसके बाद हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके पास भी चलेंगे। सबसे पहले सुल्तानपुर से राजीव सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, जौनपुर से संकेत मिश्रा, संत कबीर नगर से रामगोपाल द्विवेदी और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रमोद मिश्रा हमारे साथ मौजूद है, सौरभ मालवीय जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। आपके पास भी मैं आऊंगी लेकिन सबसे पहले एक लेटेस्ट अपडेट जल्दी से ले लेते हैं राजीव सिंह से। राजीव, कौन से बूथ नंबर पर आप मौजूद है, कौन सा बूथ है ये, क्या यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बिना किसी रुकावट के मतदान चल रहा है पारदर्शी तरीके से और कितना उत्साहित है मतदाता आज पांचवें चरण के रण को लेकर? देखिए यकीनन सीनम, इस वक्त मैं सुल्तानपुर के जीआईसी इंटर कॉलेज मतदान केंद्र पर खड़ा हूं जहां पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोग सुबह से ही मतदान कर रहे हैं और लगातार मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुल्तानपुर में 1991 मतदेय स्थल बनाए गए हैं और यहां पर बीजेपी की कद्दावर नेता मेनका गांधी और इंडिया गठबंधन के राम भुवाल के बीच एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है और लगातार यहां पर जो वोटिंग का सिलसिला है वो जारी है। यहां पर कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट कर रहे हैं? कि मुद्दे तो जो भी चल रहे हैं बहुत सही चल रहे हैं, जो भी किया जा रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। विकास हुआ है यहाँ? विकास बिल्कुल हुआ है, सब दिखाई दे रहा है। सीनम, ये 80 लोकसभा सीट में एक खास खासियत है कि यहाँ पर मेनका गांधी लगातार सांसद रही हैं, इससे पहले वरुण गांधी सांसद रहे हैं और यहाँ पर मेनका गांधी को माताजी यानी कि माँ के रूप में जाना जाता है, उनको माँ के रूप में दर्जा मिला है। ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ और मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या माहौल है चुनाव का, क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे। मुद्दों के आधार पे चुनाव लड़ा जा रहा है। अब यहाँ पे महंगाई, बेरोजगारी और विकास, सुरक्षा और राष्ट्रीय हित को देखते हुए मतदाता यहाँ पे मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि अंडर करंट है या लहर है या राष्ट्रवाद विकास का मुद्दा हावी होता है, अब ये तो मतगणना के बाद पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे मतदान अच्छे तरीके से हो रहा है। यहाँ पर कुछ विकास काम हुआ है पिछले 5 सालों? बिल्कुल हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे। चलिए आजमगढ़ अपने दर्शकों को अभी ये चलते हैं। अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अलाउद्दीन, दिनेश लाल यादव निरहुआ और धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में है, यहाँ पर किस तरह की फाइट देखने को मिल रही है और मतदाता जो पहुंचे हैं उनके जहन में क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट किए जा रहे हैं? अलाउद्दीन जी हाँ, बिल्कुल, आजमगढ़ में 2 लोकसभा क्षेत्र हैं, आजमगढ़ खुद एक लालगंज, और सबसे पहले तो तस्वीरें मैं शिबली कॉलेज से दिखाना चाहूंगा जहां पर लंबी लाइनें इस बात को बता रही हैं कि आजमगढ़ के लोग लोकतंत्र के प्रति बिल्कुल जागरूक हैं। हालांकि हमने पश्चिम से लेकर के पूर्व की तरफ इलेक्शन आ गया है, कई जगहों पर लाइनों को टूटते हुए बिखरते हुए भी देखा। सुबह के वक्त बहुत ज्यादा लोगों में जोश नहीं था लेकिन ये जोश और लोगों के अंदर तमाम लंबी लाइनें लगी हुई हैं ये बात बता रही हैं कि लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा है। आजमगढ़ का जो पूरा मामला है, क्योंकि जो बाई इलेक्शन हुआ था उस बाई इलेक्शन में क्योंकि धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए थे और ऐसे में एक बार फिर से 15 महीनों के बाद ही इलेक्शन एक बार फिर से हो रहा है। मेरे स्थानीय सहयोगी अभिषेक मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और डिटेल में बताएंगे कि आजमगढ़ का राजनीतिक और भौगोलिक परिदृश्य क्या है और यह सीटें राजनीतिक तौर से कहती क्या। अभिषेक, क्या देख पा रहे हैं जब से इलेक्शन अनाउंस हुआ है, आपके यहाँ बाई इलेक्शन में हुआ, 2 बड़े चेहरे हैं, किस तरह का इलेक्शन जा रहा है और क्या मुद्दे मुख्य हैं? निश्चित तौर पे आजमगढ़ के चुनाव की बात करने के पहले आजमगढ़ के मिजाज और यहाँ के लोगों को समझना पड़ेगा। आजमगढ़ हमेशा से चौंकाने वाला परिणाम दिया है, चाहे वो बाई इलेक्शन रहे हो चाहे मेन बॉडी के चुनाव रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ जब से चुनाव यहाँ पर अस्तित्व में आया है, लगातार यहाँ पे 22 चुनाव हो चुके हैं जिसमें से अब तक 14 यादव और 4 माइनॉरिटी के कैंडिडेट को चुनाव जीत में कामयाबी मिली है। बात करें यहाँ की जाति समीकरण, जाति समीकरण आजमगढ़ में हमेशा ठीक है। तो आजमगढ़ में भी आपने देख लिया कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, मतदाता पहुंच रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए। जौनपुर लिए चलते हैं, संकेत मिश्रा यहां से जुड़े हुए हैं। संकेत, यहां पर किस तरह से चल रहा है मतदान, जरा तस्वीरें दिखाइए और दिखाइए वोटर्स में कितना उत्साह।
हॉट सीट है। यहाँ से कृपा शंकर सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में अगर देखा जाए तो सभी भागीदारी करने के लिए यहाँ पर जुटे हुए हैं। ये प्राथमिक विद्यालय सादापुर का बूथ है और जौनपुर लोकसभा क्षेत्र आता है और महिलाओं की पंक्ति भी आप देख सकते हैं, हर उम्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। महिलाएं हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में और जो पुरुष हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मतदान को लेकर एक उत्साह है यहाँ के लोगों में। जाहिर सी बात है कि चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष हों, लंबी लाइन लगी हुई है और इन पंक्तियों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अभी चूंकि 7 बजे से शुरू हुआ है मतदान, यहाँ सुरक्षा के लिहाज से भी हम लोग दिखाएंगे कि जो तमाम सुरक्षा कर्मी हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और यहाँ किसी भी तरीके से कोई जो मतदान के लिए लोग आते हैं उनको किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो, इसकी भी पूरी तरीके से व्यवस्था है। और ज्यादा से ज्यादा मतदान कराना लक्ष्य है, चाहे वो सरकार निर्वाचन आयोग का भी और पूरी मशीनरी इसमें लगी हुई है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, वोटर अपने घरों से निकले और उनको मतदान स्थल पर किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। और इस बार सीनम अगर देखा जाए जो आंकड़े हैं, 5 चरणों में महिलाओं ने सबसे ज्यादा, पूरे 5 चरणों का अगर आंकड़ा लिया जाए, सबसे ज्यादा मतदान के लिए निकली है। एक बड़ा मौका है और जाहिर सी बात है कि ये बड़ी खबर भी है कि महिलाएं ज्यादा मतदान के लिए निकल रही हैं, अपने मत का प्रयोग कर रही हैं। हर उम्र के लोग हैं, दादा आ रहे हैं, इनसे बात भी करते हैं। दादा मतदान कर दिया है, वोट डाल दिया, पड़ गया। अच्छा, तो देखिए बुजुर्ग भी पहुंच रहे हैं, एक तरीके की मिसाल यहाँ पर पेश कर रहे हैं। जो लोग गर्मी की वजह से घरों से नहीं निकल पा रहे हैं उनके लिए ये तस्वीर काफी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे एक और सहयोगी रामगोपाल द्विवेदी के पास चलते हैं, संत कबीर नगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, जरा दिखाइए वहां की भी तस्वीर, किस तरह का उत्साह वोटर्स में और क्या क्या मुद्दे हैं उनके जहन में। बिल्कुल, इस वक्त मैं संत कबीर नगर के खलीलाबाद के एक प्राथमिक विद्यालय पे खड़ा हूँ और यहाँ पे सुबह जो है 7 बजे के पहले ही लाइन लग गई थी और जो मतदाता थे वो 7 बजे के पहले ही यहाँ पे लाइनों में लग गए थे। चूंकि इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है, तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच रह रही है, तो इसलिए मतदाता अपने घरों से बाहर निकल आए थे और यहाँ पे जो पुलिस फोर्स के जवान हैं, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे चाक चौबंद है। चूंकि खलीलाबाद जो है संत कबीर नगर विधान लोकसभा सीट में आती है और संत कबीर नगर लोकसभा सीट पे जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं निषाद पार्टी, संजय निषाद, उनके पुत्र प्रवीण निषाद भाजपा के ही सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ और रामगोपाल तस्वीरें ये बता रही है कि काफी लंबी कतार यहाँ पर लग गई है मतदान केंद्र पर और इतनी लंबी लंबी कतारें हैं। आप देखिए सुबह सवेरे लोगों ने प्रायोरिटी, अपनी प्राथमिकता जो चुना है वो वोट करने को चुना है, अपने अधिकार को इस्तेमाल करने को चुना है, तो कह सकते हैं कि काफी उत्साहित है मतदाता। शरद त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ डुमरियागंज से, उनके पास भी चलते हैं। शरद, जरा दिखाइए डुमरियागंज के कौन से मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं, क्या तस्वीर है वहां पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कई जगहों पर सुबह सवेरे 8 बजे का वक्त है तो सबसे पहले लोग उठकर नाश्ता पानी करने से पहले वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं इस समय सिद्धार्थ नगर जिले के तित्री प्रथम बूथ पर हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी लंबी कतार है और सुबह जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे ही मतदान भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से काफी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। वैसे भी अगर देखा जाए तो सिद्धार्थ नगर जिले में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो उसमें से भाजपा और सपा में सीधी लड़ाई दिखाई दे रही है, वहीं जो एक स्थानीय पार्टी राष्ट्रीय आजाद पार्टी चौधरी अमर सिंह वो भी एक अलग फैक्टर है, जो अगर उनकी तरफ झुकाव होता है तो भाजपा को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं पे सिद्धार्थ नगर जिले में जो पिंक बूथ है उसके लिए अलग व्यवस्था है, दिव्यांगों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। और जी जी जी, तो देखिए वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई और एक बड़ी खबर भी आपकी स्क्रीन पर आ गई है, 8 बार वोट डालने का एक वीडियो जो वायरल हुआ था, उसके बाद इसी मामले को लेकर ये लेटेस्ट अपडेट हमने आपको बताई। प्रमोद मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सौरभ मालवीय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले एक रिएक्शन ले लेते हैं सौरभ जी का। सौरभ जी, आज के मतदान को आप किस तरह से बाकी के चरणों से अलग देख रहे हैं, क्योंकि लोगों के मन में जो मुद्दे होते हैं, जो सहन में बातें होती हैं, वो भी बदल जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आखिरी चरण आते आते हवा बदल चुकी होती है। अभी आज के मतदान से पहले क्या आपके मन में हलचल है, क्या समझ पा रहे हैं आप सौरभ जी? देखिए, यह वह क्षेत्र है पूर्वांचल का, 14 सीटों में यह तय करता है जाति ध्रुवीकरण पर,
यानी कुल मिला के दो हिस्से में बहुत खास बात है इस पूरे 14 सीटों में, जो 9 बीजेपी के पास थी, बाकी एसपी और के पास एक गई थी, बाकी 4 बीएसपी के पास। इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह जातीय गठबंधन के बोलबाला है, और दूसरी तरफ एक बड़ा मुद्दा है वो जो है डेवलपमेंट। इसमें तो कुछ परंपरागत सीट है यानी वोट बैंक है, और फिर राष्ट्रवाद है, विकास की बात है, तमाम चीजों को लेके है। इसलिए यह क्षेत्र बहुत ही मजबूत मजबूती से मतदान करता है, जिसका उदाहरण हमको दिख रहा है सुबह के समय कितनी लंबी लंबी लाइन है, जिसमें न्यूज 18 लगातार अपील कर रहा है, शासन प्रशासन का अपील है सबका कि मतदान होना चाहिए, पहले मतदान फिर जलपान, उसी का परिणाम है। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में जाति ध्रुवीकरण है, विकास के मुद्दे हैं, सभी चीजें परंपरागत सीटें, खास करके जौनपुर की बात करें, आजमगढ़ की बात करें, डुमरियागंज की बात करें, ये सारे वो लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर एक फिर से सांसद के लिए यानी वहां के प्रतिनिधि के लिए शाख की भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है कि वो अपने बिल्कुल। तो आपको लगता है कि जाति ध्रुवीकरण भी एक मुद्दा है, विकास का भी एक मुद्दा है। प्रमोद मिश्रा जी से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं आज के मतदान को लेकर। प्रमोद जी, भारतीय जनता पार्टी के मन में क्या चल रहा है? हालांकि पलड़ आप ही लोगों का भारी है इन 14 सीटों में अगर हम देखें, लेकिन फिर भी बसपा के खाते में जो सीटें हैं वो आपके पास कैसे आएंगी? क्या कोई रणनीति बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, और आज को लेकर क्या हलचल है आपके मन में प्रमोद जी? जी, 10 में से 2019 में हमारे पास 14 में से 9 सीटें, एक मध्यावधि चुनाव हुए तो 14 में से 10 सीटें आ गई। आज अभी आपने अपने वक्तव्य में ऐसा कहा कि अंतिम चरण तक चलते चलते हवा का रुख बदल जाता है। नहीं जी, जो हवा चल पड़ती है अंतिम चरण तक आते आते वो उन हवाओं में और तेजी आ जाती है। तो जो हम देख रहे हैं और जिस तरह से आप भी अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं और आपके रिपोर्टर्स जो जगह जगह से बता रहे हैं, भारी उत्साह है लोगों के बीच, और हर विषय को लेकर के जनता अब जागृत है। सौरभ जी बोल रहे थे जातीय समीकरणों पर चुनाव होते थे, हाँ इसका प्रभाव है, लेकिन जो ज्ञान एक वर्ग बताया, लाभार्थी एक वर्ग बताया, ज्ञान जब मैं कहता हूं तो ठीक है। मैं आपके पास लौटती हूं और दोबारा हम चर्चा करेंगे आगे प्रमोद जी। और प्रमोद जी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही हवा चल रही है, और अभी तक कोई भी इस तरह का जो हवा का रुख बदलने वाली बात है वो कोई नहीं है।